काजल क्या करना चाहती थी सलमान की बराबरी, दबंग 3 में किसने ली विनोद खन्ना की जगह। दबंग सीरीज सलमान खान के करियर की खास फिल्म है, इस बात में कोई शक नहीं है। एक के बाद एक लगातार तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसके अलावा दर्शकों का ढेर सारा प्यार भी स्टार्स को हमेशा मिला है। इस कड़ी में आई तीसरी फिल्म दबंग 3 भले ही बाकी दो फिल्मों की जितनी बड़ी हिट ना रही हो, लेकिन कमाई के मामले में ये भी पीछे नहीं थी। आइए आपको फिल्म से जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातें बताते हैं। अगर आपको न पता हो तो बता दे कि यह एक प्रीक्वल था जिसमें चुलबुल पांडे के जवानी के दिनों को दिखाया गया था। इसमें पिछले दोनों फिल्मों के कई फ्लैशबैक सीन्स भी थे। क्या आप जानते हैं कि सलमान ने कन्नड़ वर्जन के लिए खुद ही डबिंग की थी। इसके अलावा ये सैंडलवुड में जाने वाली पहली फिल्म थी और इसे 250 प्लस स्क्रीन्स पर चलाया गया था। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार सुदीप किच्चा विलन के रोल में थे। उन्होंने कई सालों बाद बॉलीवुड में वापसी की। इससे पहले वो 2010 में रक्त चरित्र 2 में ही नजर आए थे। दबंग के पहले दो पार्ट्स में सलमान के पिता का किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था, जो दबंग 3 के समय तक दुनिया को छोड़ चुके थे। इसलिए उनके रिप्लेसमेंट के लिए उनके भाई प्रमोद खन्ना ने उनका यह किरदार निभाया। गौरतलब है कि रिलीज के बाद फिल्म को अपनी लेंथ की वजह से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से मेकर्स ने फिल्म से 9 मिनट 40 सेकंड के फुटेज को काट दिया था। तो आप जानते ही है कि इसे प्रभु देवा ने निर्देशित किया था, जिनकी सलमान के साथ ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने 2009 में वॉन्टेड में साथ काम किया था। क्या आप जानते हैं कि फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए काजल को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनकी वजह जानकर आप हैरान हो सकते हैं। असल उनका ये कहना था कि उन्हें भी सलमान के जैसी बराबरी का ही रोल चाहिए। ऐसी ही कई और चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली बातें हम आपको आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 4 का फैंस पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। एक बार फिर सलमान खान फिल्म में चुलबुल पांडे के रूप में दिखेंगे। ये इस सीरीज की पिछली फिल्मों की तरह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म रही है। हालांकि इस बार पिछली बार से अलग केस और विलन होगा। प्रभु देवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान, सोनाक्षी सिन्हा और नेगेटिव रोल में आहान शेट्टी होंगे। आहान शेट्टी के किरदार का चुलबुल पांडे से एक बहुत ही खास कनेक्शन होगा। हालांकि उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।